आपको दिखाने वाला हूँ 8 अमेजिंग और न्यू WhatsApp ट्रिक्स और हिडन फीचर्स जो शायद आपको ना पता हो बट आपको पता होने चाहिए 2018 में। तो चलो यार दिखाता हूँ, बैठो गाड़ी में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रिक से, जो कि ये है कि आप कैसे किसी का भी स्टेटस देख सकते हैं और सामने वाले को पता भी ना लगे कि आपने उसका स्टेटस देख लिया है। तो ये एक्चुअली बहुत ही सिंपल है बट फिर भी बहुत से लोग हैं जिनको ये पता नहीं है। तो इसके लिए आपको जाना है अपने WhatsApp की सेटिंग्स में, देन प्राइवेसी में, और वहाँ पर आपको रीड रिसिप्ट का जो ऑप्शन है उसको आपको अनटिक कर देना है। उसके बाद अगर आप किसी की भी स्टोरी देखते हैं तो वहाँ पर सामने वाले को दिखाई नहीं देगा कि आपने उसकी स्टोरी देख ली है, उसको वहाँ पे सीन में बेसिकली दिखाई नहीं देगा कि आपने उसकी स्टोरी देख ली है। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल हो सकता है सभी के लिए। और अगले ट्रिक जो है वो एक्चुअली यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल हो सकती है। तो WhatsApp ने रिसेंटली अभी एक नया फीचर लॉन्च किया था जिसके थ्रू आप कोई भी मैसेज जो आपने सेंड कर दिया है उसको आप रिकॉल कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं विद इन 7 मिनट्स। बट अगर 7 मिनट से ऊपर हो चुका है, 10 मिनट या फिर 1 घंटा या फिर 1 हफ्ता या फिर 1 महीना या फिर इवन 1 साल ही क्यों ना हो गया हो, आप अभी भी उस मैसेज को अनसेंड कर सकते हैं और सामने वाले के फ़ोन से आप उसे डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए पहले आपको आपके फ़ोन का जो नेट कनेक्शन है उसको आपको ऑफ करना है, वाईफाई या फिर मोबाइल डेटा उसे आपको बंद करना है। उसके बाद अब आपको WhatsApp को एग्जिट करना है, WhatsApp को आपको बंद करना है, रीसेंट ऐप से भी आपको उसे हटाना है। उसके बाद अब आपको जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग में, देन ऐप्स में, देन WhatsApp में, और यहाँ पे WhatsApp को आपको फोर्स स्टॉप करना है। उसके बाद अब आपको जाना है अपने डेट और टाइम की सेटिंग में और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक को अनटिक करना है और उसके बाद डेट को मैन्युअली सेट करना है उस डेट पे जिस दिन आपने मैसेज को सेंड किया था, और टाइम आपको वो सेंड करना है या फिर वो सेट करना है जो टाइम पे आपने मैसेज सेंड किया था उसके 2-3 मिनट बाद का। फॉर एग्जाम्पल मैसेज अगर 4:56 का है तो आपको 4:58 या फिर 4:59 यहाँ पे मैन्युअली सेट करना है। और उसके बाद आपको WhatsApp को वापस से ओपन करना है और उस मैसेज को सेलेक्ट करना है जो भी आपको डिलीट करना था, और अब आपके सामने डिलीट फॉर एवरीवन का बटन यहाँ पे आ जाएगा जो कि पहले यहाँ पे नहीं आ रहा था ऑब्वियसली, तभी अपन ने सारी ये मगजमारी करी। उसके बाद आपको उसको डिलीट कर देना है और अब आपको WhatsApp को वापस से बंद करना है, एग्जिट, रीसेंट ऐप से भी आउट। उसके बाद आपको डेट और टाइम को वापस से ऑटोमेटिक पे सेट करना है ताकि वो वापस से ठीक हो जाए, और उसके बाद अब आपको आपके फ़ोन का जो इंटरनेट है उसको आप ऑन कर सकते हो, वाईफाई या फिर जो भी है। उसके बाद अब आप WhatsApp ओपन करो तो वो मैसेज यहाँ पे डिलीट हो चुका है और सामने वाले के फ़ोन से भी वो यहाँ पे डिलीट हो चुका है। और अगली ट्रिक जो है वो ये है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि किसी ने आपको WhatsApp पे ब्लॉक किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ है। तो अगर कोई है जिसके साथ आप बहुत चैट करते थे बट अब आपको शक है कि उसने आपको ब्लॉक किया हुआ है, आपको उसकी DP, उसका स्टेटस, उसका अबाउट या फिर उसका लास्ट सीन भी दिखाई नहीं देता है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आती है कि उसने शायद आपको ब्लॉक कर दिया है। तो ये बात आप कैसे कन्फर्म कर सकते हैं, तो आपको इसके लिए एक न्यू ग्रुप क्रिएट करना है इस बंदे के साथ। अगर आप ग्रुप क्रिएट हो जाता है बट फिर भी वो बंदा मेंबर्स में ऐड नहीं होता है तो इसका मतलब यहाँ पे साफ है कि उसने आपको ब्लॉक कर रखा है, तभी आप उसे ऐड नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आपके WhatsApp पे कोई ऐसा है जिसके साथ आप बहुत चैट करते हो बट आप यहाँ पे कंफ्यूज हो कि उसने आपका फ़ोन नंबर अपने फ़ोन के अंदर सेव किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ है, तो ये चेक करने के लिए एक ट्रिक यहाँ पे है जिससे आप कंफर्म कर सकते हो कि उसने अपने फ़ोन के अंदर यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट सेव किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ है। तो अगर आपके WhatsApp में बीच में जो स्टेटस का ऑप्शन है वहाँ पर अगर आपको उसका कोई भी स्टेटस या फिर स्टोरी दिखाई नहीं देती है कभी भी, तो इसका मतलब यहाँ पे साफ है कि उसने आपका फोन नंबर अपने फोन के अंदर सेव नहीं किया हुआ है, और यहां पे आपकी सरेआम बेइज्जती हुई और क्या। और अगला फीचर जो है वो WhatsApp की सेटिंग्स में है, स्टोरेज में, देन स्टोरेज यूसेज में। यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं कि आप कौन से कॉन्टैक्ट के साथ में, किस बंदे के साथ में या फिर किस बंदी के साथ में आप सबसे ज़्यादा चैट करते हैं और सबसे ज़्यादा आपने टेक्स्ट, मैसेज या फिर फ़ोटोज़, वीडियोज़, मीडिया आपने शेयर करा है, और कितनी स्टोरेज वो कॉन्टैक्ट आपके फ़ोन के अंदर ले रहा है, और आप उसे चाहें तो यहाँ से कम भी कर सकते हैं डिलीट करके कुछ स्टोरेज जो आपके काम की नहीं है या फिर नहीं चाहिए अब।
और अगले ट्रिक जो है वो एक्चुअली एक फीचर है जो कि व्हाट्सएप में है, बट बहुत ही कम लोग हैं जो इसको यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर ये बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। तो अगर आप व्हाट्सएप पे बहुत ही ज़्यादा स्टोरीज पोस्ट करते हो और आप चाहते हो अपनी स्टोरीज़ को कुछ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट से हाइड करना, आप नहीं चाहते कि वो आपकी स्टोरीज़ देख पाएँ, तो ये ऑप्शन आपको व्हाट्सएप में मिल जाता है। बीच में स्टोरीज़ में आप जाओगे, देन ऊपर तीन डॉट्स वहाँ पे हैं और यहाँ पे जाके आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे कि आप अपनी स्टोरीज को कुछ कॉन्टेक्स्ट से हाइड कर दो या फिर सिर्फ कुछ ही कॉन्टेक्स्ट को आपकी स्टोरीज दिखाई दे। तो ये आप यहाँ पे आके कर सकते हो अगर आपको करना है तो। और अगली ट्रिक जो है वो एक्चुअली पूरे एंड्रॉयड का फीचर है, बट बहुत ही कम लोग हैं जो इसको यूज़ करते हैं, एंड स्पेशली व्हाट्सएप पे ये बहुत ही यूज़फुल हो सकता है उनके लिए जो कि टाइप नहीं कर पाते हैं कीबोर्ड से। तो आप यहाँ पे बिना अपने हाथों का यूज़ करे भी टाइप कर सकते हैं, वो भी आपकी आवाज़ से, और इंग्लिश में भी और यहाँ पे हिंदी में भी आप टाइप कर सकते हैं, या फिर इवन इंग्लिश में भी आप कर सकते हैं टाइप। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपके कीबोर्ड में एक माइक का आइकन होगा लेफ्ट में या फिर राइट में, उस पे अगर आप क्लिक करते हैं और यहां पे आप बोल के इंग्लिश में भी व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहा है तू, और हिंदी में भी क्या कर रहा है पागल टाइप कर सकते हैं। और आज के लिए आखिरी फीचर जो है वो है लाइव लोकेशन का। तो यहाँ पे अगर आपका कोई फ्रेंड है या फिर रिलेटिव है जो कि बाहर से आने वाला है, बट उसको आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे कंफर्म नहीं पता है, तो अब उसको रास्ते में किसी भी पनवाड़ी से या फिर किसी रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश, कमलेश से पूछने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है कि भाई ये नुक्कड़ कहाँ पर है या फिर बिग बाज़ार कहाँ पर है। वो सिंपली आप उसके साथ उसके व्हाट्सएप पर अपनी लाइव लोकेशन को शेयर कर सकते हो, उसके बाद वो देख सकता है कि आप कहाँ पे बैठे हुए हो और उसे कहाँ पे टर्न लेना है लेफ्ट राइट, उसको देखते हुए वो आपके पास पहुंच जाएगा, उसके बाद जो मर्जी करना है करो यार। सो ये थी 8 अमेजिंग और न्यू व्हाट्सएप ट्रिक्स और हिडन फीचर्स जो आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए अपने व्हाट्सएप में, एंड इसे शेयर भी करो अपने व्हाट्सएप वाले फ्रेंड्स के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज यार नीचे लाइक फेंको, कॉमेंट छोड़ो, शेयर करो, एंड आखिर में नीचे सब्सक्राइब करो, ऐश करो, बाय।